असलम वीवर्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ सब ठिकट होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे आमीन सुम आम यहाँ पे मैं अब नूडल्स की तैयारी कर रही हूँ बच्चों को शदीद भूख लगी हुई थी और बच्चों के पापा भी साथ आ गए थे बच्चों को लेके तो उनको भी शदीद किस्म की भूख लग रही थी तो मैंने सोची थी मैं उनके लिए क्या बनाऊँ जो कि फ़टाफट झटपट बन जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और उनको फ़ौर से मैं खाना दे दूँ तो मैं सोची जा रही थी मैं आज क्या बनाऊँ उनको ये आलू की ये कतले जो तवे पे बनाते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा चलो मैं यही झटपट बनाती हूँ इसको आप एमरजेंसी सालन का नाम भी दे सकते हैं ये इतनी मज़े की इतनी टेस्टी बनती है ना एक दफ़ा आप इसको बना के खाएँगे ना आपका दिल करेगा आप इसको बार बार बना के खाएँ वाकई बड़े मज़े की बनती है सही चटपटी सी स्पाइसी सी करके बनाओ ना तो बड़ा मज़े का टेस्ट लगता है इसका तो यहाँ पे मैंने फ़ौरन से आटा गूनना स्टार्ट किया है आटा गूनने के बाद फिर मैं आलू के कत्लों की तैयारी स्टार्ट करूँगी अच्छा मैं किचन में थी मैं सोची जा रही थी मुझे बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रही बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर आ देखा तो मैंने कहा ओए अल्लाह ला इतना सुलह इतफाक प्यार इतने सलूक से बैठे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने कहा ऐसी सुला इतफाक प्यार से बच्चे बैठे रहे तो कितना ही मज़ा आता है यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए नूडल्स रेडी कर लिए हुए हैं ऐसे बच्चे ना बड़े शौक से नूडल्स खाते हैं और थोड़े से मैं अपने लिए ना इसमें से निकाल लेती हूँ इसको ना थोड़ा चटपटा करने के लिए इसके अंदर मैं चाट मसाला डाल के ना खाऊंगी तो बच्चे मुझे कहते हैं मामा आपने कभी वो रेमन नूडल्स ट्राई किए हैं वो बहुत स्पाइसी होती है मैंने कहा बेटा मैं खुद स्पाइसी कर लेती हूँ नूडल्स मैं इसके अंदर चाट मसाला वगैरह डाल दूँगी तो ये बड़े करारे बन जाएंगे तो वैसे मैं सोच रही थी मैं भी ना एक दफ़ा ट्राई करूँ पूरी दुनिया उसको खाई जा रही है पता नहीं क्या ख़ास बात है इसके अंदर तो फिर मैंने सोचा पता नहीं ये हलाल होते हैं कि नहीं होते हैं लेकिन मैंने नेट पे जब सर्च किया ना तो उसके ऊपर मेंशन था कि ये ना हंड्रेड परसेंट हलाल होते हैं तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मंगवा के ना एक दफ़ा ट्राई करके देखूँ कि कैसे बनते हैं क्या मैं इसको खा भी सकती हूँ कि नहीं खा सकती और जब मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा क्या सत्यानाश होता है खा के लोगों का तो वाकई बड़ा बुरा हाल होता है उसको खाने के बाद हाँ जी तो बच्चों को नूडल्स देने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ तो मैंने कहा मैं झटपट से ना अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई आलू को मैंने इधर काटना स्टार्ट किया है पिलर की मदद से ज़्यादातर मैं काटती हूँ क्योंकि दूसरी तरह काटूँ ना तो आधे से ज़्यादा आलू मेरा ज़ाया हो जाता है इसलिए ना मैं इसी गैजेट का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ इसके साथ ना पतला ज़रा छिलका उतरता है और वैसे छुरी के साथ काटने लगो ना तो मुझे बड़ी आवाज़ आ रही होती है इसीलिए ना मैं ना पिलर के साथ इसको काटती हूँ तो आलूओं को काटने के बाद इसको मैं धोगी धोने के बाद मैं इसके ना इस तरह बारीक बारीक से मैंने स्लाइस की है इतने बारीक स्लाइस नहीं आपने करने बस इतने आपने करने कि जितने के अंदर ना ये अच्छे तरीके से ना गल जाए क्योंकि हमने इसको तवे के ऊपर बनाना है हमने इसको ना पैन में नहीं बनाना तो आपने इसको इतना मोटा मोटा नहीं काटना ठीक है अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करती हूँ इसके अंदर मैंने नमक डाला है एक टी स्पून ठीक है मेरे हस्बैंड को ज़रा नमक करारा पसंद है तो मैंने नमक ज़्यादा ज़्यादा डालती हूँ इसके अंदर और इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है सूखा धनिया डाला है कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर और सुरख मिर्च डाली है इसके अंदर और ये थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाला है और अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूँगी ये हमारे घर की घर की कसूरी मेथी है हम बाज़ार से नहीं लेते पता नहीं उसके अंदर क्या उन्होंने घास भूस पता नहीं क्या कुछ डाला होता है किस तरीके से उसको सुखाया होता है कहाँ गंदे तरीके से उसको तो इसलिए हम घर पे ही ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम इसको घर पे ही सुखाएं इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मिक्स करने के बाद मैंने इसको बस थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ना ये आलू जो है ना अपना ना पानी छोड़ दें तो यहाँ पे मैंने अपना प्यारा सा बड़ा सा तवा चूल्हे पे चढ़ा लिया हुआ है और ये आलूओं को मैं थोड़ा सा डांस करवा रही हूँ हाँ तो तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना है तवे को मैंने जला लिया हुआ है थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया हुआ है अब इसके ऊपर मैं ना ऑयल डालूँगी ये थोड़ा सा ऑयल डाला इसके ऊपर मैंने ऑयल गर्म हो चुका हुआ है अब इसके अंदर मैंने ना आलूओं को डाल दिए सारा तवे के ऊपर तो इसको ना मैंने इसी ऑयल के अंदर अभी कुछ देर भूनना है इसको मैं भूनने के बाद फिर इसको दम पर रखूँगी इसको अच्छे से तवे के ऊपर भून लेना है भून लेना मतलब इसको जैसे हम चिप्स फ्राई करते हैं ना समझ लेंगे तवे के ऊपर हम चिप्स ही फ्राई कर रहे हैं आलू को फ्राई कर रहे हैं इसके ऊपर आपने इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई मसाला ऊपर नहीं डालना इसके अंदर कोई प्याज नहीं जाएगा कोई लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा कोई टमाटर नहीं जाएगा बस ये जो मसाले हैं ना इसी मसाले के अंदर ही ये पकेगा और इन्हीं मसालों का टेस्ट इतना मज़े का होता है इतना जूसी और इतना खट्टा खट्टा सा टेस्ट बनता है ना इसका बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े की ये आलू का सालन रेडी होता है झटपट बनता है लेकिन कमाल का बनता है बंदे को भूख ना भी लगी हो ना तो इसकी खुशबू से ही ना भूख लगना शुरू हो जाती है मुझे भूख नहीं लग रही थी वाकई मुझे भूख नहीं लग रही थी लेकिन जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया ना इसकी खुशबू से ही ना मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई तो मैंने सोचा वो बल सोचा क्या बल्कि जब ये बना था तो मैंने कितने ही ऊपर से उठा के आलू ऐसे ही खा लिए थे बगैर रोटी के ही खा लिए थे तो ज़ीरा मुझे वैसे पसंद है बहुत ज़्यादा इसलिए मैं ना ज़ीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ तो उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा और ज़ीरा डाला था ताकि वो थोड़ा सा ना भुना जाए और इसकी क्रिस्पी क्रिस्पी सा ऊपर से ज़ीरा और बड़े मज़े का टेस्ट लगता है मुझे ज़ीरे का अच्छा अब इन आलूओं के अंदर ना मैंने इसी बाउल के अंदर ना हाफ़ कप के बराबर पानी लिया है अब ये पानी इसके अंदर डाल के ना मैं इसको पाँच से दस मिनट के अंदर ना इसको दम पे रख दूँगी इसी पानी के अंदर ये गलेंगे इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं डालना क्योंकि आलू भुनाई के वक्त ही काफ़ी हद तक पक चुके पक चुके हुए थे हाँ जी तो ना आलू पक चुके हुए थे ये असल में मैं कहना चाह रही थी गलती से मेरे मुँह से ना गलत कुछ निकल गया था तो आप माइंड ना करना मेरी बात का ठीक है ना अच्छा अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे ना तो इसको ज़रूर ट्राई करना कसम से ये बहुत ही मज़े की बनती है मैं कह नहीं रही आप बना के देखेंगे आपको पता लगेगा हाँ जी तो यहाँ पे मैं अब आके हूँ आपको अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाने मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बड़ी सुगड़ बच्ची हूँ खाने के साथ साथ मुझे ना कपड़े सिलाई करने का भी बहुत शौक है बहुत डिज़ाइनिंग करने का शौक है तो ये मेरा गर्मियों का सूट है लॉन् का सूट है तो इसकी ना मैं नज़र आपको डिज़ाइनिंग शिजाइनिंग दिखा रही हूँ ये देखिए ये नीचे मैंने ना इसके पर लगाए हुए हैं और इसके ऊपर टिशू का नीचे मैंने ना पीस अटैच किया था मैंने कहा थोड़ी सी ना इसमें अच्छी सी लुक आ जाए ये देखें ये इसका सारा घेरा है इसके अंदर मैंने इस सारे टस्सा लगाए हुए हैं इसके गले के ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है इसका साथ ये दुपट्टा है ये इसकी बैक है तो इसका जो गला था ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये गला ट्राई किया था बनाने के लिए शुरू शुरू में मुझे बड़ा औखा काम लगा था लेकिन एक दफ़ा बनाने के बाद ना मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी लेकिन ये बहुत आसान है ये वाला गला बनाना ये इसका ट्राउज़र है और एक सूट मैंने ये बनाया था ये मैंने कोटी स्टाइल का बनाया था मेरा बड़ा ही दिल करा था कि मेरा कोई ऐसा सूट हो जिसके ना मैं ना कोटी स्टाइल बनाऊँ ये प्लेन सूट था बिल्कुल प्लेन था तो मैं सोची थी इसके ऊपर मैं क्या डिज़ाइनिंग करूँ तो फिर मैंने इसके ऊपर ना ये कोटी का स्टाइल बना दिया था नीचे से ये ओपन है ऊपर से ये गले के साथ ना अटैच है यहाँ पे मैं दरमियान में सोची थी मैं ना कोई बटन शटन लगा लूँ लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो परे इसकी कोटी की शो सारी ख़त्म हो जाएगी ये मैंने बाजू बनाए हैं बाजू के अंदर मैंने क्रॉस में डिज़ाइनिंग किया और ये बाजुओं के नीचे ना मैंने नेट नेट लगाई हुई थी ये मेरा सूट फ्रंट से है ये बैग से है अब आप देख के बताना आपको कैसा लग रहा है अगर आपको पसंद आए तो आप इसका स्क्रीन ले लेना आप भी बनाना मैंने कहा मैं अपनी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर कर लूँ किसी बहन को पसंद आए तो वो अपना सूट ऐसा बना सकती है अच्छा तो दूसरा सूट मेरा ना ये बुनन्सा का सूट था तो इसकी ना मुझे ये डिज़ाइनिंग बड़ी पसंद आई थी इसके ऊपर मैं कोई डिज़ाइनिंग ना भी करती ना तो ये सूट ने वैसे ही बड़ा प्यारा लगना था तो मैंने इसके इस तरह से ना फ़ैशन चल रहा था इस तरह के बाज़ुओं का गोल बाजू तो बन जाते मैंने कहा चलो मैं थोड़ा ऐसा ही डिज़ाइन है इसके ऊपर बनाऊँ थोड़ा ना डिफरेंट सी लुक आ जा इसके ऊपर ये इसका घेरा है इसके ऊपर मैंने पाइपिंग की है और ये इसका गला है बोट गला बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये बैन बोट बना था ये बिल्कुल गले के साथ ताके लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ और ये बाजुओं के नीचे वाली साइड पे मैंने सारी लेस लगाई थी ये इसकी बैक है बैक पे भी सेम बाजुओं का डिज़ाइन दिया था मैंने इसकी बैग भी बड़ी प्यारी है इसका प्रिंट बहुत प्यारा था ये मुझे बहुत अच्छा सूट लगा था इसका ट्राउज़र है ट्राउज़र कम और शलवार टाइप मैं कुछ ज़्यादा बनाती हूँ तो ये इसका दुपट्टा है दुपट्टे के नीचे ना मैंने इसके चारों कोने पे ना इस तरह के ना फूल बनवाए थे साइडों पे सारी पिको हुई हुई है क्रोशिया पिको और एक सूट मेरा ये जे कार्ड का सूट है ये मेरा जे कार्ड का सूट है तो ये इसके ऊपर ना मैंने एक्स्ट्रा से नेट के बाजू लेके लगाए थे मुझे ना ये कंट्रास्ट में बाजू मिल गए थे तो मैंने कहा चलो मैं इसी की डिज़ाइनिंग करती हूँ ऊपर मैंने ये शीशे वाली लैस पड़ी चली हुई थी तो मैंने ना ये शीशे वाली लैस लगाई तो बाद में मुझे किसी ने कहा कि ये जो शीशे वाली लैस है ना इसको आयरन से लगाने के बावजूद इसको ना आपने ना सिलाई करना होता है मतलब टांके लगाने होते हैं उस टाइम तो मैंने पहन लिया था सूट ऐसे ही लेकिन बाद में मैंने ना इसके अंदर से ना इसके अंदर अंदर ना टांके भी लगाए थे ताकि ये जो लैस है ना एक धुलाई के बाद इसकी ग्लू उतर जाती है ये ना खुलना शुरू हो जाती है तो मैंने इसके ऊपर सारे टांके लगाए थे यहाँ पे मैंने किरण की लैस लगाई थी नीचे कॉर्नर पे इसके कॉर्नर पे नहीं इसके पल्लुओं पे लैस लगाई थी और घेरे पे मैंने कुछ इस तरह करके इसकी डिज़ाइनिंग की थी जिक जैक में जिक जैक में हाँ ये जिक जैग ही कहलाएगा हाँ जिक जैग में मैंने इसकी इस तरह से डिजाइनिंग की थी तो ये मेरा एक सूट हो गया उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सूटों की डिजाइनिंग पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसका स्क्रीन ले लें और आपको दिल करता है तो आप इसकी तरह का सूट बना लें ये मेरी शलवार है मीन्स ट्राउज़र और ये इसके बाजू मुझे इसके बाजू सबसे ज़्यादा पसंद आए थे इसकी डिज़ाइनिंग बड़े मज़े की लगी थी तो ये कुछ और सूट मैं लेके आई हुई थी तो इनको भी मैंने स्टिच करना है अगर आपको मेरी स्टिचिंग पसंद आ रही है मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और कमेंट्स में बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी है तो इन मैं और भी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मेरे टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी मज़े मज़े के खाने शेयर करूँगी आपके साथ आप लोग भी सब अपना ख्याल रखना ओके अल्लाफि